अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीशी स्टडी पोर्टल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, जो कि प्रोग्रेशन की एक बेस थी। आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके साथ साथ इसकी नोटेशंस, इसके फार्मूलाज एंड इसकी जो एग्जांपल होगी उसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम देख रहे होंगे। सो वी कैन डिफाइन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन टू वेज। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। जो दो टर्म्स हों, इसको कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं, कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं, जो दो टर्म्स होंगी उनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो एक सीक्वेंस चलता आ रहा है, वो बिल्कुल सेम हो। यानी 1, 3, 5, 7 इसके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है? दो दो का डिफरेंस आ रहा है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनके दरमियान एक एक का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक तरह से और हम डिफाइन करते हैं, वो है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हमने इसमें शामिल नहीं करना, इज ऑब्टेन्ड अगली टर्म, फर्स्ट टर्म के अलावा जो अगली टर्म है हमें, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म। फॉर एग्जांपल, अब देखें 1, 3, 5, अब 5 में से 3 गए, 2 का डिफरेंस, फिर आगे 7 आता है, फिर 7 में से 5 गए, फिर 2 का डिफरेंस। यानी इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने एडिंग यानी ऐड करना है, प्लस करना है, एंड सब्ट्रैक्टिंग यानी माइनस करना है, और जो माइनस करके या ऐड करके डिफरेंस जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिनमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, 1 के बाद 5, पहली हमने जो टर्म है उसे काउंट नहीं करना, यानी 1 को काउंट नहीं करना, उसके आगे 1, 5, 9, 13। अब 9 और 5 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 4 का है। अगर इसे आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, 9 - 5 = 4, 13 ये वाला, ठीक है, एंड -9 = 4, 17 - 13 = 4, इन सब के दरमियान 4 का डिफरेंस है। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, हम 1 ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंस सेम है, इक्वल है दो टर्म्स के दरमियान, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब हम इसकी नोटेशन देखते हैं। नोटेशन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी कहा जाता है, ठीक है, इसका शॉर्ट वर्ड जो है वो एपी यूज होता है। वी विल कम अक्रॉस 3 मेन टर्म्स, ये 3 मेन टर्म्स होती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, विच आर डिनोटेड एज कॉमन डिफरेंस डी, जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान होता है उसको डिफरेंस बोलते हैं, डी से जाहिर किया जाता है, ठीक है। फिर एक होती है एंथ टर्म, यानी टोटल टर्म्स होती हैं ये आपकी, एंथ टर्म जो हमने फाइंड करनी होती है कि इतनी टर्म्स फाइंड करो, इतनी टर्म्स फाइंड कर लो, एंथ टर्म इसे बोलते हैं, इसे ए एन से जाहिर किया जाता है। फिर एक होता है सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स, इन सब टर्म्स का ये जो है आपको इनका सम जो कहलाता है उसको एस एन से जाहिर करते हैं, यानी सम ऑफ एन टर्म, एस वाला सम एंड एंथ टर्म्स वाला ये जितनी आपकी टर्म्स होंगी, जो सिंगल टर्म होती है उसको एन से जाहिर किया जाता है या डिनोट किया जाता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डी से, जो आपकी एंथ टर्म्स हों यानी सारी टर्म्स हों उनको ए एन से, एंड जो आपका सम ऑफ ऑल टर्म्स हो यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हों उसको एस एन से, और सिंगल टर्म को एन से डिनोट किया जाता है। All three terms represent the property of arithmetic progression, ठीक है, All three terms represent the property of arithmetic progression, ये सब arithmetic progression की properties हैं। We will learn more about these three properties in the next section. चलिए चलते हैं next section पे। अब common difference क्या होता है? हमने जैसे ऊपर बात की, दो consecutive terms के दरमियान जो difference होता है वो आपका common difference होता है, ठीक है, वो difference कहलाता है। In this progression, for a given series, the terms used are the first term, the common difference between two terms and the nth term, जो मैंने बात की थी, दो consecutive term के दरमियान जितना भी आपका फर्क होगा जो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका difference कहलाता है। Suppose A1, A2, A3, अब ये क्या है, A1 पहली term होगी, A2 दूसरी term होगी, A3 तीसरी term होगी। For example,
ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल में देखा था, अब 159 ये क्या है, वन आपका क्या है, आपका ए वन है, फाइव आपका क्या है, ए टू है, नाइन आपका क्या है, ए थ्री है, ठीक है, इसी तरह से सो ऑन। अब सपोज हमने ये कर लिया कि ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं एंड ए एन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द कॉमन डिफरेंस डी कैन बी ऑब्टेन। किस तरह से है डी लेंगे, हमने बात की थी सेकेंड टर्म से फर्स्ट को यानी माइनस कर देना है, पहली टर्म को छोड़ के जिस तरह इन्होंने किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस लेना है ए टू माइनस ए वन, देखें जैसे हमने 157 की बात की थी ना, अब 5 हमारी क्या थी, सेकेंड टर्म थी, और 1 हमारी क्या थी, फर्स्ट टर्म थी। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें 4 यानी 5 माइनस 1 4, फिर थर्ड टर्म कौन सी थी हमारी, ये जो इन्होंने दिखाई है, थर्ड टर्म कौन सी थी हमारी, हम वहां पे 9 थी, 9 में से सेकेंड टर्म क्या थी, 5 थी, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, इसी तरह से सब डिफरेंस जो है वो सबका 4 आ रहा है, इसलिए ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा अब nth टर्म क्या होता है, और हम इसमें देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए एन इज इक्वल टू, ए एन आपका क्या है, nth टर्म जो आपने यानी सारी टर्म्स फाइंड करनी है वो ए एन है, ए आपका क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म है, प्लस एन आपकी क्या है यानी कोई भी एक टर्म हो सकती है जितनी वो टर्म आपको फाइंड करने को देगा क्वेश्चन में, -1 डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन -1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय डी। इसमें ए क्या है आपका, मैंने आपको पहले बता दिया फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एन आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जितनी गिवन होंगी, और ए एन आपका क्या है, एन टर्म। फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन से हम इसको सारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझ भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द nth टर्म, nth टर्म फाइंड करनी है, फॉर्मूला क्या होगा, n टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। उसने हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन दिया वो ये है 1 2 3 4 5, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ टर्म्स आर 15। अब नंबर ऑफ टर्म्स जिसको n से डिनोट करते थे ना, सो n इज इक्वल टू 15 जैसे यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन में, एंड अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है आपकी, a इज इक्वल टू 1, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितना डिफरेंस आ रहा है सब में, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, सब में 1 का डिफरेंस आ रहा है, सो d इज इक्वल टू 1। अब हम फार्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पे मल्टीपल लगाएं या ना लगाएं, ब्रैकेट के बाद अगर डी आपको शो हो रहा है उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 1 है, ये वाली कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 1 का आ रहा है जो हमने देखा अभी, एंड ए एन इज इक्वल टू, अब इसने फार्मूला लगा दिया है, ए एन इज इक्वल टू 1, ये वाला 1 कौन सा है, आपकी फर्स्ट टर्म है यानी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं अगर आपको मजीद इसको हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, देखे ना ये था हमारे पास फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें फर्स्ट टर्म बहुत कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखी, ये आपकी एक सीरीज है, इसमें फर्स्ट टर्म आपको 1 दिख रही होगी, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, डी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी इसमें सब में एक एक ही ऐड हो रहा है तो सीरीज आगे बढ़ रही है यानी सीक्वेंस आगे जा रहा है, देयरफॉर एन ए एन इज इक्वल टू, अब उसने ये इसका सोल्यूशन सारा दिखा दिया हमें। अब इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, अब ये जो ए एन है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये 1 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया जी, ये वाला 1 है, क्यों, ये हमारी पहली टर्म ये थी ऊपर एग्जांपल में आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब प्लस फार्मूले वाला, और एन 15 कैसे आया, आप कहेंगे भाई यहाँ पे देखें, ये आपको उसने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 15, ठीक है, तो ये 15 यहाँ से आया है, एन इज इक्वल टू 15 यहाँ से आया है, ठीक है। सो ये आपका 15 है इसलिए यहाँ पे ये 15 आ गया, माइनस अब 1 कैसे आया यार, 1 ये फॉर्मूले वाला ये, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एन माइनस वन, सो 15 माइनस 1। अब आप कहेंगे ये 1 कैसे आया, तो भाई ये डिफरेंस है आपका कॉमन डिफरेंस जो आपका 1 आया हुआ है ये वाला, ठीक है, हो गया ये 1 है। अब इज इक्वल टू, अब इसने इकट्ठा ही कर दिया 1 प्लस, अब 15 में से मान गए 14, ये वाला आपको यहाँ पे शो हो गया 14,
प्लस वन, ये वाला पीछे वाला 14 प्लस वन। अब देखे ना 14 यहाँ बच गया था, जब 15 माइनस एक किया तो 14 है, 14 मल्टीप्लाई बाय वन 14 ही रहना था, सो यहाँ पे 14 ही है, ठीक है। अब 1 प्लस 14, ये वाला 1 और ये वाला 14 जो बच गया 15 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब nth टर्म्स कितनी आई आपकी, 15। होप सो समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की आपको। जस्ट इसमें ये बातें हैं, मैं अगर आपको छोटी सी समरी दे दूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान, ठीक है, जिसमें अगर जो भी डिफरेंस आ रहा होता है उसको डी से डिनोट करते हैं, और अगर आपको एक सीरीज दी गई है लाइक 1 2 3 4 5 6, उसमें वन जो होगा यानी पहली टर्म जो होगी उसे ए वन भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंस किस तरह से लेना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, इस तरह से डिफरेंस ले सकते हैं ना। जैसे आपने देखा हुआ हम फिजिक्स में भी पढ़ते आते थे R2 - R1, इस तरह से डिफरेंस ले सकते हैं, D2 - D1, इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस ले सकते हैं। तो अब nth टर्म अगर फाइंड करनी हो इसमें, सो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, इसका फार्मूला होता है। क्वेश्चन में आपको सब टर्म्स गिवन होती हैं, जस्ट आपने फार्मूला लगाना होता है और आपका आंसर आ जाता है। सो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इतना ही था, जिसमें हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी नोटेशंस क्या है, इसका फार्मूला क्या है, और इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा कि इसका किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करते जाएं एंड कमेंट लाजमी करना अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है, ठीक है, लाजमी बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।